ठीक है, ये तो मेरी फिर से ओजोन लेयर है. आपको मालूम होना चाहिए कि पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा वहाँ गर्मी ज़्यादा, क्योंकि पोल्यूशन में निकलने वाली जितने भी गैसेस हैं इंडस्ट्री से, दे ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग हीट. ओके, दिस इज माई ओजोन लेयर. ओजोन लेयर, ठीक हो गया. ठीक है, तो ये अर्थ है, यहाँ पर कोई खड़ा है, और ये अर्थ में ये कुछ मेरे पोल्यूटेंट्स हैं, ऐसे बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये पोल्यूशन का ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ सरफेस. दिल्ली की हालत बुरी हो रही है बेटा, आप देख रहे होंगे न्यूज़ में. ठीक है, पोल्यूशन की वजह से. दिस इज़ योर स्ट्रेटोस्फेयर. दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि अदर स्टेट्स का भी इम्पैक्ट उस पर है ना, पंजाब हरियाणा सन. ठीक है, यहाँ से आपकी रेज आई हैं ऐसे. ठीक, अगेन अब इतना याद रखना पड़ा, जो ये इंसिडेंट लाइट है, इस लाइट की एनर्जी हाई, इस लाइट की फ्रिक्वेंसी हाई, इस लाइट का लेमडा कम. इनको हम लोग शॉर्ट वेव्स भी कहते हैं, शॉर्ट क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, इनको हम लोग शॉर्ट वेव्स भी कहते हैं. तो जो सनलाइट पड़ रही है, इंसिडेंट है, उसकी कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, इसलिए वो इजिली ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करके नीचे आ जाती है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था. एंड देन व्हाट विल हैपन, कुछ तो अर्थ एब्जॉर्ब कर देगा कुछ लाइट ना, इट विल एब्जॉर्ब. सपोज यहाँ पर इसने ऐसे कुछ एब्जॉर्ब, अर्थ ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब. ठीक है, यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, लैंड सरफेस है. ठीक है, जहाँ पर कम रिफ्लेक्टिव, जहाँ पर एल्बिडो इफेक्ट कम है, तो वहाँ पर एब्जॉर्ब. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सरफेसेस हैं अर्थ में जहाँ से वो ग्लेशियर्स एंड ऑल ना, ओशंस एंड ऑल, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी होगा, तो और कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्लेक्ट बैक. ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक, इट विल गो इनटू स्पेस. ऐसा नहीं है कि स्पेस में कुछ जाता ही नहीं है, काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट, इट अगेन स्केप इनटू स्पेस. ठीक है, लेकिन जो स्पेस में जाने वाली लाइट होगी, ये क्या होगी, इसकी एज कम्पेयर टू दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जिसकी एनर्जी भी कम, हाँ, और फ्रिक्वेंसी भी कम, लेकिन हाँ वेवलेंथ ज़्यादा. ठीक है, और कुछ आपके यहीं अंदर ट्रैप हो जाएंगे, ऐसे रिफ्लेक्टेड वाली कुछ अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी. ठीक है, या री रिफ्लेक्ट हो जाएंगी फ्रॉम दिस पोल्यूशन ब्लैंकेट. ठीक है, री रिफ्लेक्टेड. सारी चीज़ें हमें पता है, तो ड्रॉ दिस डायग्राम, उसके बाद कुछ पॉइंट्स इसमें लिखते हैं. ड्रॉ दिस. ठीक है, वील राइट अबाउट दिस पोल्यूशन ब्लैंकेट. बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑल योर ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, वील टॉक अबाउट पोल्यूशन ब्लैंकेट नाउ. पोल्यूशन ब्लैंकेट में क्या है, पहला पॉइंट दैट इट कंटेन्स वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस. आगे से हम उनको ऐसे पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस which traps heat. ठीक है, and this trapping phenomena is known as, इसी trapping phenomena को हम लोग greenhouse effect कहते हैं. ठीक है,
इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी ट्रैपिंग फिनोमेना को आपने जो ग्रीन हाउसेस देखे हैं गाँव में, जो हम लोग लगाते हैं ग्रीन हाउसेस, ठीक है, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए अलग अलग सीजन्स में, वो क्या करता है, वो भी तो वही करता है, हीट ट्रैप। आप कभी अंदर जाके देख लेना उसके कितनी गर्मी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखना कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर आर सर्वाइवल, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैंने बताया था आइस एज, विंटर्स में इतना ठंडा होगा कि आइस एज वाली कंडीशन आ जाएगी, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्सेस अगर इसका हो जाए तो इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर सर्वाइवल बट इन एक्सेस causes ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन अगर एक्सेस में होगा तो इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कुछ इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं, लेट्स सी इट्स इम्पैक्ट एंड देन। इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं, इम्पैक्ट्स आप लोगों को मालूम ही है इसके, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सबमर्जिंग ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। उसके अलावा भी बायोडाइवर्सिटी में भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी है, ठीक है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं या इंडेंजर्ड हो रही हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रही हैं या कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगेन ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द कॉज। अपार्ट फ्रॉम दैट द चेंज इन वेदर पैटर्न, ठीक है, विंटर्स में बारिश होनी चाहिए, नॉर्दर्न पार्ट में हो ही नहीं रही है, ठीक है, गर्मियों में जितनी गर्मी होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर इज़ राइजिंग डे बाई डे। तो जो भी वेरिएशन आप देखते हो, अगेन इट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वन ऑफ द मेजर कॉज। इसीलिए कभी भी आप देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं सुनामी आती है, कहीं पर फ्लैश फ्लड्स आ गए, कहीं पर क्लाउड बर्स्ट, बादल फटा, तो हम सभी इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं इट्स अ मैन मेड डिज़ास्टर। जब 2013 में उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स आए थे केदारनाथ में, तो उसको हमने नाम क्या दिया था, हमने कहा था इट्स अ मैन मेड डिज़ास्टर, क्योंकि हमारी वजह से हम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, कहीं पर एक्सेसिव रेनफॉल, कहीं पर बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं पर ड्राउट लाइक कंडीशंस, कहीं पर एक्सट्रीम फ्लड्स लाइक सिचुएशंस, तो ये सारे हमारी ही वजह से कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट बहुत है इसमें, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट भी है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट देख लेते हैं इसका, कि हमारे ऊपर क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में बेटा द फर्स्ट पॉइंट दैट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस causes increase in average temperature. Next point is melting rate of glaciers. ठीक है, हमने देखा था कि इसका एल्बिटो इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो सनरेज इसमें पड़ते हैं वो तो बेसिकली सारी क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नॉट बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। सो मेल्टिंग रेट ऑफ ग्लेशियर्स increases, ठीक है, followed by sea level increases. अच्छा, coastal erosion increases बेटा, coastal erosion increases how? कौन बताएगा? हाँ, वो इरोड होगी रिवर्स के थ्रू भी, रिवर्स का भी लेवल बढ़ेगा, कोस्टल एरियाज़ में जाएगी उसको इरोड करेगी, ठीक है। तो
दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन सबमर्जेंस ऑफ लैंड मास, सबमर्जेंस ऑफ लैंड मास, ठीक है. बहुत सारे आइलैंड से, इवन इंदिरा पॉइंट इज नाउ टोटली सबमर्ज्ड. इंदिरा पॉइंट का है आपका अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है. इंदिरा कॉल इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, ना इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट, ठीक है. इट इज नाउ सबमर्ज्ड. इवन देर आर, देर वर फ्यू आइलैंड्स, ठीक है, इन द बे ऑफ बंगाल जो कि डूब चुके हैं बिकॉज ऑफ अगेन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. सो सबमर्जेंस ऑफ लैंड मास, उसके अलावा माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ पीपल भी एक इम्पैक्ट है बेटा, इम्पॉर्टेंट है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेस फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग्स, ठीक है, लेस फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग्स इन द पोलर एरियाज, ठीक है, जहाँ जिस पर जो वहाँ के एनिमल्स हैं, स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ हैं लाइक पैंगुइन्स एंड पोलर बियर्स, उन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. अब आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पोल्स में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है. सो पोलर बियर पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, पोलर बियर पॉपुलेशन डिक्रीजेस ड्यू टू स्टारवेशन और हंगर, ड्यू टू स्टारवेशन और हंगर, ठीक है. एक लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं, इसको आप एक बार जरूर एटलस में बताइएगा, मैं आपसे पूछूंगा मंडे, ठीक है. स्टारवेशन, खाने के लिए नहीं है बेटा उनके पास, बेसिकली फिश हो गई, सील हो गई, ठीक है. नोट में लिख रहा हूँ, मैंने आपको इंदिरा पॉइंट के बारे में भी तो बताया था, मुझे बताना कि वेयर इज दिस पराली, पराली वन एंड इंदिरा पॉइंट, एंड इंदिरा पॉइंट आपके डूब चुके हैं, सबमर्ज्ड. उसके अलावा तुवालू, वेर इज तुवालू, ये मुझे आप लोग देख के बताएंगे एटलीस्ट में अच्छे से. वेर इज तुवालू इज एक्सपेक्टेड टू बी सबमर्ज्ड, ठीक है, टू बी सबमर्ज्ड बाय 2035, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे. उसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं बेटा, ठीक है. फ्लड्स लाइक सिचुएशंस हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग रेट इंक्रीजेस, मोर वाटर डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स, सॉइल इरोजन है, लैंडस्लाइड्स हैं, सिल्ट डिपोजिशन है रिवर बेड में, जिसके वजह से फ्रिक्वेंट फ्लड्स आ रहे हैं खासकर बिहार में इस बार, ठीक है, कोसी के वजह से. कोसी इज ऑल्सो नोन एज द सॉर ऑफ बिहार, ठीक है. फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको फ्लड कंट्रोल मेजर भी बताऊंगा, यू शुड नो. फ्लड्स से ऊपर भी आपके लिए डिस्कशन आ सकता है कि फ्लड्स जो देखने को किसी पर्टिकुलर स्टेट में इतने फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से अगेन पंजाब में भी आपने देखा फ्लड्स लाइक सिचुएशन, देन बिहार, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमारी सरकार को. तो यू शुड नो सम टेक्निकल चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल सिल्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिल्ट मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, जब बहुत सारी सिल्ट रिवर बेड में डिपॉजिट हो जाएगी, तो उसका जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द रिवर बेड, सपोज़ यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे. अब नीचे बहुत सारी मिट्टी आ गई, सिल्ट डिपॉजिट हो गई, तो रिवर का तो लेवल वैसी, तो वो तो फिर भारी आएगी रिवर, ठीक है. तो सिल्ट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. अफॉरेस्टेशन, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी को होल्ड या रिवर बैंक्स को होल्ड. देयर शुड बी मोर चेक डैम्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो साउथ इंडिया में हो रहा है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एरिया में बाढ़ आ रही है, किसी एरिया में सूखा पड़ रहा है, ठीक है. तो वहाँ पर अगर हम रिवर्स को इंटरलिंक कर लें, तो उसका ओवरफ्लो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. साउथ इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जो साथ साथ ऐसे बहती हैं, ठीक है. साउथ इंडिया में तो ये प्रोग्राम चल भी रहा है, ठीक है. तो एक रिवर ये है, सपोज एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, तो इसको हमें ऐसे इंटरलिंक करना है रिवर्स को, ठीक है, ताकि जो बीच के एरियाज हैं, कुछ ड्राई, तेलंगाना इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, तो वहाँ से
उनको भी पानी मिल जाएगा और जो फ्लड्स लाइक सिचुएशन है उनको भी रोका जा सकता है, ठीक है। इंटरलिंकिंग और रिवर्स, सपोज आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई फ्लड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप सिल्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ बोल सकते हो, चेक डैम्स होने चाहिए, उसके अलावा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो गया, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स हो गया, सारे हैं, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में मैं आपको बताऊंगा कि 2016 में कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश में, ये 2016 में स्टार्ट हो चुका है, इट इज़ द फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, एंड देन केन बिटवा इंटरलिंक विच इज़ इन MP एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, इट इज़ ऑनगोइंग। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।